श्री साई सच्चरित्र की 11वीं अध्याय की कथा में हम देखेंगे सगुण ब्रह्म श्री साई बाबा डॉक्टर पंडित द्वारा पूजन हाजी सिद्दकी फालके तत्वों पर नियंत्रण। सगुण ब्रह्म श्री साई बाबा ब्रह्म के दो स्वरूप होते हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण उपासना सरल और श्रेष्ठ होती है। सगुण उपासना के द्वारा प्रेम और भक्ति में वृद्धि होती है और हम सद्गुरु की चरणों की ओर अग्रेसर हो जाते हैं। श्री साई का स्वरूप आंखों के सम्मुख लाओ, जो वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति और अनन्य शरणागत भक्तों के आश्रय दाता है। उनके शब्दों में विश्वास लाना ही आसन और उनके पूजन का संकल्प करना ही समस्त इच्छाओं का त्याग है। हम लोगों के लिए वे ईश्वरी अवतार है। वे अत्यंत क्षमाशील, शांत, सरल और संतुष्ट थे, जिनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। यद्यपि वे शरीरधारी थे, पर यथार्थ वे निर्गुण, निराकार, अनंत और नित्य मुक्त थे। गंगा नदी जैसे समुद्र की ओर जाती हुई गर्मी से व्यथित प्राणियों को शीतलता पहुंचाकर आनंदित करती है, फसलों और वृक्षों को जीवन दान देती है और जिस प्रकार प्राणियों की प्यास शांत करती है, उसी प्रकार श्री साई संत जीवन व्यतीत करते हुए भी दूसरों को सांत्वना और सुख पहुंचाते हैं। बाबा सबके आश्रय दाता थे। उन्होंने कभी भी किसी के सहायता की आवश्यकता ना की। उनके उठने बैठने के लिए भक्तगण एक मुलायम आसन और एक बड़ा तकिया ला देते थे। बाबा भक्तों के भाव का आदर करते थे और उनकी इच्छा अनुसार उन्हें पूजन करने देते थे। कोई भक्त इत्र और चंदन लाते, कोई सुपारी पान और कोई अन्य वस्तुएं भेंट करते, कोई नैवेद्य ही अर्पित कर देते थे। यद्यपि ऐसा जान पड़ता है कि उनका निवास स्थान तो शिरडी में था, परंतु वे सर्वव्यापक थे। इसका भक्तों ने नित्य प्रति अनुभव किया था। ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। डॉक्टर पंडित द्वारा पूजन। एक बार श्री तात्यानोलकर के मित्र डॉक्टर पंडित शिरडी पधारे बाबा के दर्शनार्थ। बाबा को प्रणाम कर वे मस्जिद में कुछ देर तक ठहरे। बाबा ने उन्हें दादा भट केलकर के पास भेजा। वहां उनका अच्छा स्वागत हुआ। फिर दादा भट और पंडित एक साथ मस्जिद में बाबा के पूजन हेतु पधारे। दादा भट ने बाबा का पूजन किया। बाबा का पूजन तो रोज सभी किया करते थे, परंतु अभी तक किसी ने बाबा के शुभ मस्तक पर चंदन लगाने का साहस नहीं किया था। केवल एक महासापति ही थे जो बाबा के गले में चंदन लगाया करते थे। डॉक्टर पंडित ने पूजन की थाली में से कुछ चंदन लिया और बाबा के मस्तक पर त्रिपुंडाकार लगाया। लोगों ने महान आश्चर्य से देखा कि बाबा तो कभी अपने मस्तक को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते, फिर डॉक्टर पंडित को कैसे चंदन लगाने दिया। संध्या के समय दादा भट्ट ने बाबा से प्रश्न किया, क्या कारण है बाबा, आप दूसरों को तो मस्तक पर चंदन नहीं लगाने देते, परंतु डॉक्टर पंडित को तो आपने कुछ भी नहीं कहा। बाबा शांत होकर कहने लगे, डॉक्टर पंडित ने मुझ में अपने गुरु श्री रघुनाथ महाराज मतलब काका पुरानी को देखा, फिर मैं उन्हें कैसे मना कर सकता हूं। वे मुझे अपना गुरु समझ रहे थे और उस आदरतिथ्य से वे मुझे चंदन लगा रहे थे, फिर मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूं। डॉक्टर पंडित को दादा भट्ट ने पूछा कि आपने बाबा के मस्तक पर चंदन कैसे लगाया। तब डॉक्टर पंडित भी यही बोले कि बाबा में मैंने अपने गुरु काका पुराणिक को देखा, तभी मैंने उनके मस्तक पर चंदन लगाया। यद्यपि बाबा उनके भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार पूजन करने देते थे। हाजी सिद्दकी फालके। एक बार सिद्दकी फालके नामक एक यवन मक्का शरीफ का हज करने के बाद शिरडी आए। वे चावड़ी में उत्तर की ओर रहने लगे। वे मस्जिद के सामने खुले आंगन में बैठा करते थे। बाबा ने उन्हें 9 माह तक मस्जिद में प्रवेश करने की आज्ञा न दी थी और ना ही मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ने दी। फालके बहुत निराश हो गए। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आशा न त्यागो, तुम श्यामा जो बाबा के अंतरंग भक्त है, तुम उनके द्वारा बाबा के पास पहुंचने का प्रयत्न करो। जिस प्रकार भगवान शंकर के पास पहुंचने के लिए नदी के पास जाना आवश्यक होता है, उसी प्रकार बाबा के पास भी श्यामा द्वारा पहुंचा जा सकता है।
फाल्के को यह विचार उचित प्रतीत हुआ। उन्होंने श्यामा से सहायता की प्रार्थना की। श्यामा ने भी आश्वासन दे दिया और अवसर पाकर श्यामा बाबा से बोले, बाबा आप उस बूढ़े हाजी को मस्जिद में किस कारण नहीं आने देते? अनेक भक्त तो अपनी इच्छा हेतु अपने दर्शन कर लेते हैं, कम से कम एक बार तो उस बूढ़े हाजी को अपने दर्शन कर लेते तो। तब बाबा श्यामा से बोले, श्यामा तुम अभी नादान हो, अगर अल्लाह नहीं चाहता तो मैं उसे कैसे अनुमति दूं? अल्लाह के मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा तुम एक काम करो, उससे एक प्रश्न पूछ आओ, क्या वह बारहवीं कुएं की निचली पगड़ी पर आने के लिए तैयार है? श्यामा फाल्के से होकारात्मक उत्तर लेकर आए। बाबा ने पुनः प्रश्न किया, क्या वो मुझे 4 किस्तों में 40,000 रुपये देने को तैयार है? श्यामा उत्तर लेके लौटे, अगर बाबा चाहते हैं तो मैं उन्हें 40,00,000 रुपये देने को तैयार हूं। बाबा ने पुनः प्रश्न किया, मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूं, उससे पूछो कि उसे क्या पसंद है, बकरे का मांस, नाद या अंडकोश? श्यामा उत्तर लेकर आए, यदि बाबा के भोजन पात्र से एक ग्रास भी मिल जाती है तो यह हाजी अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा। यह उत्तर पाकर बाबा उत्तेजित हो गए। उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी का बर्तन उठाकर फेंक दिया और अपनी कफनी उठाई और सीधे हाजी के पास पहुंच गए। वे उससे कहने लगे, तुम व्यर्थ ही नमाज पढ़ते हो, अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हो, यह वृद्ध हाजियों के समान वेशभूषा तुमने क्यों धारण की है? बाबा के ऐसे प्रश्न पूछने और क्रोधित होने का अर्थ वहां किसी के समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद बाबा मस्जिद में लौट आए और कुछ आम की टोकरियां खरीद ली। वे आम की टोकरियां उन्होंने हाजी के पास भेज दी और थोड़े समय बाद वे भी हाजी के पास चले गए। उन्होंने अपने पास से 55 रुपये निकालकर हाजी को दे दिए। इसके बाद हाजी और बाबा प्रेम से रहने लगे। अब हाजी भी अपने इच्छानुसार मस्जिद में आने जाने लगे। कभी कभी बाबा उन्हें कुछ रुपए भी भेंट में दिया करते थे। इस प्रकार हाजी बाबा के दरबार में सम्मिलित हो गए। बाबा का तत्वों पर नियंत्रण। एक बार संध्या की समय शिरडी में भयानक झंझावत आया। आकाश में घने और काले बादल छाए हुए थे। पवन झकोर रहा था, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। मूसलधार वर्षा प्रारंभ हो गई। जहां देखो वहां जल ही दृष्टि गोचर होने लगा। सब पशु पक्षी और शिरडीवासी भयभीत होकर मस्जिद में एकत्रित हुए। सभी ने अपने साईं भगवान से, जो भक्ति के ही भूखे हैं, उन्हें संकट निवारण हेतु प्रार्थना की। बाबा को भी दया आ गई। बाबा बाहर निकले और मस्जिद के समीप खड़े हुए। बादलों की ओर देखकर और गरजे हुए शब्दों में बादलों से उन्होंने कहा, बस शांत हो जाओ। कुछ समय के बाद वर्षा का जोर कम हो गया और पवन भी मंद पड़ गई तथा आंधी भी शांत हो गई। आकाश में चंद्रदेव उदित हो गए। तब सब लोग अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर लौट गए। और एक अन्य अवसर पर मध्यान्ह के समय धुनि की अग्नि इतनी प्रज्वलित हो गई कि उसकी लपटें ऊपर छत तक पहुंचने लगी। मस्जिद में बैठे हुए लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि जल डालकर अग्नि को शांत करे या अथवा कोई अन्य उपाय करे। बाबा से पूछने का साहस किसी में नहीं था, परंतु बाबा शीघ्र ही परिस्थिति को जान गए। उन्होंने अपना सटका उठाकर सामने के खंभे पर बलपूर्वक प्रहार करते हुए बोला, नीचे उतरो और शांत हो जाओ। सटके की प्रत्येक ठोकर पर लपटे कम होने लगी और कुछ मिनटों में ही ध्वनि शांत और यथापूर्वक हो गई। श्री साई ईश्वर के अवतार है, जो उनके सामने नत होकर उनके शरण होता है, उस पर वे अवश्य कृपा करते हैं। जो भक्त इस अध्याय की कथाएं प्रतिदिन श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पठन करेंगे, उनका दुख शीघ्रता से दूर हो जाएगा। श्री साई सच्चरित्र की अगली अध्याय में हम काका महाजनी धुमाल वकील इनकी मधुर कथाएं सुनेंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साई बाबा आर्ट गैलरी चैनल से। ओम साई राम।